हेलो एवरीवन, माय नेम इज गामित प्रियंका, कबड्डी कोच। आज हम बात करेंगे वार्म अप के बारे में। वार्म अप के टू टाइप्स होते हैं, एक होता है जनरल वार्म अप और एक होता है स्पेसिफिक वार्म अप। जनरल जो वार्म अप होता है उसमें जॉगिंग, स्किपिंग और कैलिस्थेनिक, ये सारी चीज़ों से आप बॉडी को वार्म कर सकते हो। एक दूसरा होता है स्पेसिफिक वार्म अप, जो किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना, या स्पेसिफिक गेम्स, अगर आप वॉलीबॉल के हो, खो खो के हो, कबड्डी के हो, कोई भी गेम है तो उसके लिए स्पेसिफिक जो एक्सरसाइज होती है उसको बोला जाता है स्पेसिफिक वार्म अप। तो उसके रिलेटेड भी आप अपनी बॉडी को वार्म कर सकते हो। ये बॉडी को अंदर से गर्म करता है, जो बॉडी के काम करने की कार्यक्षमता जो होती है उसमें वो बढ़ोतरी लाता है। ये यूज़ होने वाले मसल्स की ज़रूरत के हिसाब से स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाता है। वार्म अप करने से सांस लेने की जो रिदम है उसमें बढ़ोतरी होती है, जिससे ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी को मिल पाता है। ये बर्दाश्त करने की शक्ति, रिएक्शन टाइम, बैलेंस, जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी में बढ़ोतरी लाता है। इससे टेंशन जो है वो कम होती है और मैदान पे एथलीट अपने मेन टास्क पे जो है वो फोकस कर पाता है। जनरल और स्पेसिफिक वार्म अप करने से बॉडी खुल जाती है, जिससे एथलीट अपनी स्किल को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज़ कर पाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर आपने वार्म अप सही से किया है तो इंजरीज के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। वार्म अप की टू मेथड्स होती हैं, एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ वार्म अप, उसमें तीन जो बातें हैं, घटक जो हैं वो आते हैं, जिसमें एक होता है स्ट्रेचिंग, एक होता है कैलिस्थेनिक और एक होता है नॉर्मल एक्टिविटी। दिमाग में आ रहा होगा कि ड्यूरेशन ऑफ वार्म अप कितना होना चाहिए, तो अगर आप 60-80 मिनट तक अगर आपका वर्कआउट है, अगर आप उतनी एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपके लिए 15-30 मिनट जो है वो आपको वार्म अप करना चाहिए, और जो ये 5-10 मिनट का वार्म अप इनफ है। और ये डिपेंड करता है वेदर पे कि जिस टाइम पे आप वार्म अप कर रहे हो उस टाइम पे आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है।